Hey guys, welcome back to my channel and today's video. जैसा कि आपको दिख रहा है आज मैं थोड़े से डिफरेंट हेयर स्टाइल में हूँ. तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी बारे में होने वाली है कि हम हमारी राजपूती पोशाक पे, राजपूती सूट पे किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट तरीके से रखड़ी को वेयर कर सकते हैं, खुले बालों में किस तरीके से हम रखड़ी को स्टाइल कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिन तरीकों से हम बाल खुले भी रख सकते हैं. बहुत से लोगों की शिकायत होती है, खासकर लेडीज की, जो मदर्स होती है जिनके बेबी होते हैं वो भी ये ट्राई करती है कि बाल बांध के रखें. आज मैं आपके लिए ऐसी हेयर स्टाइल्स लेके आई हूँ जो मदर्स हैं जिनके बेबी हैं या फिर ऐसी औरतें जो घर में काम भी करती हैं, शादी ब्याह के टाइम बहुत काम होता है, वो भी खुले बालों में इजीली रखड़ी और शीशफुल को कैरी कर सकती हैं. अनमैरिड गर्ल्स पोशाक पहनती हैं शादी ब्याहों में, वो भी इन हेयर स्टाइल्स को कैरी कर सकती हैं. बहुत ही इजी हेयर स्टाइल्स हैं जो कि विद इन 2 to 3 मिनट्स में बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. और मैं आपको तरीके बताऊंगी किस तरीके से आप इन्हें सिक्योर भी रख सकते हैं हेयर स्टाइल को, ताकि ये आपकी लॉन्ग टाइम तक चले. और एक दो ऐसी हेयर स्टाइल्स भी बताऊंगी जिन्हें आप जैसे डांस करते टाइम, हमारी मतलब प्रायोरिटी रहती है कि हमारे जो बाल हैं वो इस तरीके से हों कि हम जब डांस करें, क्योंकि जब हम डांस करते हैं हमारी पूरी बॉडी मूव करती है तो हेयर स्टाइल बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो ऐसी हेयर स्टाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आप डांस करते टाइम, जैसे संगीत का फंक्शन हो गया उस टाइम पे आप वैसी हेयर स्टाइल कर सकते हैं. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कोमल चौहान और इंस्टाग्राम आईडी है मिसेस कोमल गौतम शिखावत, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. तो प्लीज़ जाइए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप अपने हेयर को अच्छी तरह से कॉम करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें. आप ये ध्यान रखें कि हमें बीच की ही मांग निकालनी है, तो आप किसी जो कॉम होता है, पॉइंटेड कॉम्स होते हैं, उनकी हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपल कॉम की हेल्प से भी कर सकते हैं. पार्टीशन करने के बाद आप आगे की फ्लिक निकाल लें, उससे थोड़ा सा अच्छा लुक आता है. ये आपके बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है फ्लिक्स तो आप निकालें वरना आप रहने दें. फिर एक क्लचर की हेल्प से पीछे बालों को बांध लें. आप रबर बैंड की हेल्प से बांध सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लचर का यूज़ किया है मैंने. फिर आप रखड़ी लें और बीच में जो आपने मांग निकाली थी वहाँ पे रखड़ी को सेट कर लें, जिस भी आगे पीछे आपको जिस भी तरीके से आप रखड़ी बांधना प्रेफर करते हैं. और एक सेफ्टी पिन की हेल्प से पीछे आप जो हमारी रखड़ी का धागा होता है उसे सिक्योर कर लें, और एक छोटी पिन से आगे की तरफ बालों में रखड़ी को सिक्योर कर लें, जो रखड़ी का धागा है, ताकि आगे से हमारी रखड़ी हिले नहीं. उसके बाद अपने क्लचर को या रबर बैंड को आप हटा सकते हैं और अपने बालों को आगे की तरफ आप लेके कॉम से अच्छी तरह से सेट कर लें. आपकी फर्स्ट हेयर स्टाइल बनके बिल्कुल रेडी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो मैंने आगे आपको सेफ्टी पिन लगाने के लिए बोला है रखड़ी के जस्ट पीछे, वो ज़रूर लगाएं ताकि आपकी हेयर स्टाइल सेफ रहे. सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए आपको बीच की मांग तो रखनी है, बट बिल्कुल थोड़ी सी रखनी है आगे की तरफ से, और पीछे की तरफ पूरे बाल ले जाने हैं बाकी. अब आपको थोड़े थोड़े आगे से हेयर लेते हुए ट्विस्ट करते जाना है, फिर थोड़े से हेयर लेने हैं उसमें ऐड करना है, फिर ट्विस्ट करने हैं. इस तरीके से आपको करना है जब तक आप कान के पीछे के बालों तक ना पहुँच जाएँ. ऐसे इसी तरह थोड़े थोड़े बाल लेते रहें और ट्विस्ट करते रहें. ऐसे ही आप ट्विस्ट करते रहेंगे तो आपको दिख रहा है एक पैटर्न बन जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा. फिर आपको हल्के हाथ से ऊपर की तरफ इन ट्विस्टेड हेयर को करना है और फिर पीछे सेफ्टी पिन की हेल्प से इन्हें सिक्योर कर लेना है. सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड बालों के थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और ट्विस्ट करते जाने हैं, फिर थोड़े से बाल लेने हैं फिर ट्विस्ट करते जाने हैं. इस तरीके से इस पैटर्न को इस साइड भी हमें बना लेना है, फिर हल्के हाथ से ऊपर की तरफ बाल करते हुए सेफ्टी पिन से इस साइड भी हम हेयर को सिक्योर कर लेंगे. अब आप क्या करें कि जो आपने ट्विस्टेड हेयर है उनको हाथ की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ निकाल लें. इससे क्या है, थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है और पफ के स्टाइल में ऊपर की तरफ हेयर आ जाते हैं. फिर अच्छी तरीके से कॉम कर लें, लेकिन ये कॉम ध्यान रखें हल्के हाथ से करना है. अगर आप ज़्यादा बालों को खींचेंगे तो पीछे से आपकी जो सेफ्टी पिन है वो लूज़ होने का डर रहता है. अब एक रबर बैंड की हेल्प से
बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि एक चोटी बनानी है, आप पोनी बोल सकते हैं, रबर बैंड की हेल्प से एक पोनी बना लें, लेकिन पोनी का ध्यान रखें कि आपको पोनी बिल्कुल नेक के पास नीचे की तरफ बनानी है, ऊपर की तरफ पोनी नहीं बनानी है, जिससे आपकी रखड़ी शिशकुल अच्छी तरीके से लग सके। मैंने आगे एक फ्लिक निकाल ली है, आप चाहे तो आप भी निकाल सकते हैं। अब हम हमारी रखड़ी लगाएंगे। सिंपल आप जैसे रखड़ी वेयर करते हैं वैसे रखड़ी बांध लें। उसके बाद हम शीश फूल लेंगे और रखड़ी के धागे को छुपाते हुए शीश फूल को पहनेंगे। शीश फूल भी जैसे आप मतलब बहुत से लेडी होती हैं चोटी में से गांठ लगाती हैं धागे की, और बहुत से होते हैं जो नीचे की तरफ ही बांध लेते हैं ऐसे, तो जैसे आपको सही लगे वैसे कर लें। और ये शीश फूल बांधने के बाद आपको अपने हेयर खोल लेने हैं, रबर बैंड निकाल लेना है। मेरा शीश फूल का धागा कुछ ज़्यादा ही बड़ा था तो मैंने बाद में उसे कट कर दिया था। आपके लिए सेकेंड हेयर स्टाइल भी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है। ये हेयर स्टाइल खासकर अनमैरिड गर्ल्स पे जिन्हें सर पे पला नहीं लेना होता है वो बना सकती हैं, उन पे ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा सूट करेगी। और बाकी मैरिड वुमेन भी इसे बना सकती हैं, उन पे भी बहुत अच्छी लगती है। हेयर स्टाइल के लिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट हेयर स्टाइल में बताया था, सेम वैसे आपको बीच की मांग में रखड़ी लगा लेनी है, एक सेफ्टी पिन लास्ट में सिक्योर कर लेनी है रखड़ी के धागे पे, और एक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की तरफ, ताकि आपकी रखड़ी ज़्यादा हिले ढुले नहीं, उसके लिए आप आगे लगा लेंगे। और फिर आप थोड़े से बिल्कुल आपको हेयर लेने हैं, दोनों साइड आपको सेम पैटर्न करना है, थोड़े से हेयर लेने हैं। यहाँ आपको ऐड नहीं करने हैं हेयर, बस थोड़े से लेने हैं और उनको ट्विस्ट करते जाना है, ट्विस्ट करते जाना है, और फिर इनको आपको सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है पीछे की साइड। सेम एज इट इज़ आप दूसरी साइड करेंगे। थोड़े से हेयर लिया आपने फ्रंट में से, कॉम की हेल्प से अच्छी तरीके से आप हेयर अपने कॉम कर लें, फिर वही थोड़े से हेयर लेके ट्विस्ट करते जाने हैं, ट्विस्ट करते जाने हैं, ट्विस्ट करते जाने हैं, और फिर आप सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे भी सिक्योर कर लें। ध्यान रखें आपकी सेफ्टी पिन सही से आप सिक्योर करें, ताकि आपकी हेयर स्टाइल बिगड़े नहीं और लॉन्ग टाइम तक चले। उसके लिए ज़रूरी कि आप अपनी सेफ्टी पिन अच्छी तरीके से लगाएं। ये आपकी थर्ड हेयर स्टाइल बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे भी दोनों तरीके से मैरिड और अनमैरिड वुमेन बना सकती हैं हेयर स्टाइल को। ये काफ़ी कंफर्टेबल हेयर स्टाइल है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। थर्ड हेयर स्टाइल में ही साइड से आपको थोड़े से ज़्यादा हेयर निकालने हैं, फ्लिक नहीं निकालने हैं, थोड़े ज़्यादा से हेयर निकालने हैं। इससे एक अलग ही हेयर स्टाइल बन के निकल के आता है और ये आपका फोर्थ हेयर स्टाइल बिल्कुल रेडी है। अब बारी है फिफ्थ हेयर स्टाइल की। फिफ्थ हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, एक साइड से आपको थोड़े से फ्रंट में से थोड़े से ज़्यादा हेयर लेने हैं और अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें लेते हुए कॉम करना है और फिर छोड़ देना है, क्योंकि रखड़ी लगी हुई है हमारी और रखड़ी हमारी काफ़ी बड़ी होती है, तो उससे उसकी हेल्प से ये हेयर थोड़े पीछे की साइड रहते हैं, आगे की तरफ नहीं आते हैं। फिर आपको आगे फ्लिक निकाल लेना है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो फ्लिक निकालने से क्या है, थोड़ा सा हेयर स्टाइल अच्छा लुक देता है। फिर आपको थोड़ा सा हल्के से ट्विस्ट करते हुए सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। और ध्यान रखिए इस हेयर स्टाइल में आपको कम से कम 2 या 3 सेफ्टी पिन का यूज़ करना है, ताकि ये जो रखड़ी के पीछे पफ बना हुआ है आपका थोड़ा ऊंचा सा वो बना रहे। अगर आप एक ही सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे तो पफ नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हेयर स्टाइल बिगड़ने के चांसेस रहते हैं इसमें। तो आप ट्राई करें कि 2 या 3 सेफ्टी पिन से अच्छी तरीके से सिक्योर कर लें इस हेयर स्टाइल को। ये स्टाइल बहुत ही सुंदर लगती है। ये अनमैरिड गर्ल्स ट्राई कर सकती हैं, अपने लहंगे पर भी ट्राई कर सकती हैं, राजपूती पोशाक के साथ भी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हेयर स्टाइल लगती है और ये बहुत ही यूनिक हेयर स्टाइल भी है। इस तरीके की हेयर स्टाइल्स आजकल ट्रेंडिंग में भी हैं, तो अनमैरिड गर्ल ज़रूर इस तरीके की हेयर स्टाइल बना सकती हैं, मैरिड भी बना सकती हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हेयर स्टाइल ये अनमैरिड गर्ल्स पे ज़्यादा सूट करती है। तो ये आपके फिफ्थ हेयर स्टाइल भी बनकर बिल्कुल रेडी है।
हेयर स्टाइल हम फिफ्थ हेयर स्टाइल की हेल्प से ही बनाएंगे। हमने जैसे फिफ्थ हेयर स्टाइल में जो पिन सिक्योर की थी वो पिन हमें निकाल लेनी है हेयर में से, और ये आपके सिक्स्थ हेयर स्टाइल बनकर बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है सेवन्थ हेयर स्टाइल की। सेवन्थ हेयर स्टाइल के लिए हम फ्रंट से हेयर लेंगे, उन्हें अच्छी तरीके से कॉम कर लेना है आपको हेयर को, और फिर हमें उन हेयर को ट्विस्ट करना है और फिर दूसरे साइड से थोड़े से हेयर लेने हैं, हेयर्स ऐड करते जाने हैं और साथ में ट्विस्ट करते जाने हैं। फिर हमें थोड़े से हेयर लेने हैं, फिर उन हेयर को पिछले हेयर्स में ऐड करना है और फिर ट्विस्ट करना है। इसी तरीके से हम हेयर ऐड करते जाएंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे। आगे से आप अपने हाथों से हेयर स्टाइल को थोड़ा सा सेट करते रहिए ताकि लकड़ी का जो हमारा धागा है वो ज़्यादा दिखे नहीं। थोड़ा बहुत दिखता है तो चलता है, पर ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। और कान के पीछे तक आने तक हम ऐसे ही हेयर ऐड करते रहेंगे और ट्विस्ट करते रहेंगे। आपको दिख रहा है कि कितना अच्छा पैटर्न और हेयर स्टाइल बनती जा रही है। ये हेयर स्टाइल मेरी पर्सनल फेवरेट है, और जैसे मेरे पीहर वगैरह में कोई भी फंक्शन होता है तो मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। और वैसे भी आप इस हेयर स्टाइल को कुर्तीज़ वगैरह पे भी वेयर कर सकते हैं। कुर्ती है या साड़ी वगैरह आप पहन रहे हैं, राजपूती पोशाक है, सूट है, उन पे आप इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। आगे से फ्लिक निकाल लें। ये आपके सेवन्थ हेयर स्टाइल बनकर बिल्कुल रेडी है। ये भी बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एट्थ हेयर स्टाइल बहुत ही कॉमन है, इसके लिए आपको अच्छी तरीके से अपने हेयर कॉम कर लेने हैं। और आगे से मैं फ्लिक निकाले लेती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। आप भी निकाल लें क्योंकि इससे हेयर स्टाइल में एक अलग ही लुक आता है। और आपको पोनीटेल बना लेनी है रबर बैंड की हेल्प से पीछे की तरफ। और आप ट्राई करें कि जब भी आप रकड़ी शिशकुल बंधे हुए बालों में लगाते हैं, चोटी बना के लगाते हैं, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि रबर बैंड को आप बिल्कुल नीचे की तरफ लगाएं बालों में, नेक के बिल्कुल नीचे आप अपनी पोनी या चोटी जो भी है वो बनाते हो वो बनाएं। इससे क्या है, रकड़ी और शिशकुल अच्छी तरह सिक्योर हो जाते हैं और हिलने डुलने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप ईजीली अपनी रकड़ी वेयर कर लें जिस तरीके से आप रकड़ी बांधते हैं, सेम एज इट इज़ आप अपना शीशफुल बांध लें। रकड़ी का धागा नहीं दिखना चाहिए आपका, शीशफुल इसीलिए होता है। और शीशफुल भी हमने बांध लिया है। अब मैं आपको एक हैक बताऊंगी कि अगर आप डांस वगैरह करते हैं तो ये स्टाइल सबसे बेस्ट होता है। इसके लिए आप क्या करें, शीशफुल और रकड़ी का जो धागा है उसको आप सेफ्टी पिन से दोनों साइड से सिक्योर कर लें। इससे क्या होता है, सेफ्टी पिन लगाने से अगर आप पीछे से आपका रकड़ी या शीशफुल का धागा खुल भी जाता है तो ये फिर आपकी निकलती नहीं। आपकी ये हेयर स्टाइल भी बनकर बिल्कुल रेडी है, तो आप इस हेयर स्टाइल को बिल्कुल ट्राई करें। नाइन्थ हेयर स्टाइल को हम एट्थ हेयर स्टाइल से ही कनेक्ट कर देते हैं। एट्थ हेयर स्टाइल में हमारे बाल बंधे हुए थे और नाइन्थ हेयर स्टाइल में हम सेम एज इट इज़ इसी हेयर स्टाइल में अपने हेयर को ओपन कर लेंगे, रबर बैंड निकाल लेंगे। और आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा सीरम वगैरह लगा के, इस तरीके से भी अच्छा लगता है। नहीं तो आप एक पॉइंटेड कॉम की हेल्प से या फिर अपने हाथों की हेल्प से भी बीच में से पार्टीशन कर लें, मांग निकाल लें। मैंने यहाँ पे कॉम का यूज़ किया, पॉइंटेड कॉम का, बीच में से मांग निकाल ली है मैंने, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ऐसे पार्टीशन करने के बाद, और ये आपको बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, बालों को खींचना नहीं है, नहीं तो आपके रखड़े शीशफुल ढीले हो सकते हैं, लूज़ हो सकते हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथ से कॉम करते हुए बालों को आगे की तरफ ले आएँ, फ्लिक निकाल लें एक आगे, जिससे अच्छा लुक आए। तो ये आपका इजी सा हेयर स्टाइल बनकर फटाफट विद इन 1 मिनट रेडी हो गया है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं फिर आगे और इस तरीके की वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।